अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिबो लोग में। तो कैसे हो आप सब? आज मैं जा रही हूँ बारा पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे वहाँ पे शादी है मेरी फूफी के यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जितनी मैंने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मौसम देख सकते हो आप, बहुत ही स्वच्छ हो रहा है, साफ़ हो रहा है, और यहाँ हरियाली भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी चल रहा है बारिश का मौसम। और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही कम ट्रैफिक है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है बाहर जाने की वो ही जाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो हम बारा जा रहे हैं, और हमारे यहाँ से बारा 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे पहुँचने में 30 से 40 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट जहाँ पे शादी है रिसोर्ट में, वहीं मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए मेरी वीडियो को। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारा, और जहाँ पे शादी है, जिस रिसोर्ट में शादी है, वहाँ पे हम उतर चुके हैं। तो देख सकते हो आप, हम अंदर जाने लग रहे हैं, और वहाँ पे यहाँ पे खड़ी है एक बस, एक वैन। तो वैसे तो ये रिसोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सिर्फ घर घर के मेंबर्स ही यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए, सोबिया उतर चुकी है नीचे गोदी से, और ये चल रही है घास पे। इसको चलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि घास पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और देख सकते हो आप, इसके पैर घास के कित्ते में अंदर तक जा रहे हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड, तो रिसोर्ट को मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा बना है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आम दिनों में जब शादी होती है यहाँ पे, तो ये पूरा रिसोर्ट भर जाता है।
तो सोबिया जा रही है उसकी दादी के साथ। तो वैसे मैं यहाँ पे ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने जितनी करी है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली रिलेटिव के साथ। और कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सोबिया ने पकड़ लिया इसके पापा का हाथ। तो चलिए जरा सी झलक मैं आपको मेरी भी दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं भी आ गई हूँ कैमरे के सामने। वैसे तो मैं नहीं आना चाहती थी पर आ गई हूँ। तो मैंने पहना था ये ड्रेस। तो बस मैं इतना ही शूट कर पाई हूँ। तो अब हम कर रहे हैं बारात का वेट। सामने से आ रही है बारात जो कि बहुत दूर है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। और बारात में सिर्फ 10 से 11 मेंबर ही मौजूद है, ज़्यादा नहीं है। लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं की है, सिर्फ 10 से 11 लोगों को ही बुलाया है। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ऐसा लग भी नहीं रहा है कि सामने से बारात आ रही हो, लेकिन आप देखिए गौर से, सामने से बारात ही आ रही है। दूल्हा जो कि अगर आपको दिख रहा हो तो घोड़ी पे बैठा है। तो थोड़ी नज़दीक से भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर है अभी बारात। तो जब पास आएगी तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो बारात आ चुकी है पास। तो वैसे मैं बारात को ज्यादा पास से नहीं दिखाने वाली हूँ। अगर दूल्हा आपको नजर आ रहा हो तो देखिए वो घोड़ी पे बैठा हुआ है। और इतने से ही मेंबर इन लोगों के साथ आए हैं, बारात में ज्यादा मेंबर नहीं है। तो बस यहीं तक ही मुझे दिखाना था। तो बारात आ चुकी है, स्वागत भी हो चुका है। तो अब सोबिया लग गई यहाँ पे मस्ती करने। देख सकते हो आप नीचे गुलाब के फूल पड़े हैं जो कि स्वागत में फूल बरसाए थे दूल्हे के ऊपर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक जरूर कर देना।